जांजगीर चांपा जिले में बढ़ते नशे के कारोबार ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक और जहां पर जिले में अवैध शराब से यहां बिक्री के कारण धड़ल्ले से खूब फल फूल रही है, और वहीं दूसरी तरफ अब लोग नशीली दवाओं के भी आदि हो रहे हैं। लोगों को नशे का आदि बनाने वाला यह गौरव धंधा अब हर माह करोड़ों रुपए का हो चुका है। ड्रग विभाग द्वारा चांपा के शारदा मेडिकल स्टोर्स पर छापामार कार्रवाई करते हुए 80 नग नशीली सिरप और बड़ी मात्रा में टैबलेट जब्त किए गए हैं। इस मामले का दुखद पहलू यह है कि मामले में संलिप्त बड़े मगरमच्छ तक अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं। दो चार टब बेचता था जी, ये 15 दिन का है, 15 दिन पहले जी, नहीं 15 दिन, महीना दिन लाते। शारदा मेडिकल नाम का व्यक्ति जो है वो इस टाइप की जो कोडिन युक्त जो भी दवाइयां हैं उसका अवैध रूप से मतलब बिक्री कर रहा है। पता चला कि ये जो है ये सारा चीज़ घर में आपको सारा चीज़ मिलेगा, तब हमने घर पे सर्च किया और सर्च करने पे ये सारा माल जो है बरामद।